बेटा ये हमने टेस्ट लिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 6 पार्ट हैं। हमें बताना था कर्व सिंपल है या नॉन सिंपल है, ओपन है या क्लोज्ड है, या कर्व है भी या नहीं है, पहले तो ये बताना हो। सबसे पहली बात, सिंपल कर्व क्या होता है तेजस? जो अपने आप को कहीं ना कहीं कट नहीं करता, सिंपल कट नहीं करता। और नॉन सिंपल अपने आप को कहीं ना कहीं, और ओपन कर्व क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता। और क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। और कर्व क्या होता है? जिसको हम बिना पेन उठाए और बिना रेट्रेस किए बना सकते। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, पहला क्वेश्चन, सिंपल कर्व क्यों है? क्योंकि अपने आप को कट नहीं कर रहा। और ये ओपन क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। कर्व तो है ही, क्योंकि इसको बिना पेंसिल उठाए या बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट का आंसर ये लगाया था उसको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड का आंसर सेम लॉजिक से क्या होना चाहिए? सिंपल ओपन कर्व। अब सेकंड का आंसर ये था, ठीक है, सबने यही लगाया होगा होपफुली। थर्ड में बहुत बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये कैसा कर्व है बताइए? नॉन सिंपल। नॉन सिंपल ये इसलिए है क्योंकि अपने आप को कट कर रहा है। और ये ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन है, क्योंकि क्योंकि क्या नॉन सिंपल ओपन कर्व क्यों है? अगर आप देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, सेम नहीं। ठीक है जी, ये समझ आ गया, नॉन सिंपल ओपन कर्व थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ बताइए, सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, सिंपल क्यों है? क्योंकि अपने आप को कट नहीं कर रहा। क्लोज क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। फिफ्थ बताइए क्या आंसर होगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है जी, और सिक्स का आंसर बताइए क्या होगा? ध्यान से देखिए, सिंपल तो है ही है क्योंकि अपने आप को कहीं कट नहीं कर रहा। मैं 6 पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, सिंपल सिंपल इसलिए क्योंकि कट नहीं कर रहा। ओपन इसलिए है, क्यों है ओपन बताओ? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सिंपल ओपन कर्व। समझ आ गई बात सबको अच्छे से?